खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा हमें बार बार मौके अता करता है। और यकीन जब आज मैंने बाइबल मुकद्दस को खोला और मैंने एक तलावत की तो मुझे बहुत बरकत मिली। आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जबूर 34 है और उसकी 10 आयत, जबूर 34 और उसकी 10 आयत को हम तलावत करते हैं। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे, पर खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आमीन। मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा है। जब हम खुदावन की तलब रखते हैं, खुदावन के तालिब हो जाते हैं, खुदावन से मांगना शुरू कर देते हैं, तो खुदा अपने मांगने वालों को सब कुछ अता कर देता है। शेर के बच्चे, कलाम में लिखा है, भूखे हो सकते हैं मगर खुदा के बच्चे जो हैं वो कभी किसी नेमत के मोहताज ना हो जाएंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आज खुदावन को अपनी ज़िंदगी मिले, उसके तालिब हो जाएं, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। खुदावन आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।